सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, 900 एपिसोड हो गए हमारे शो के। आई थिंक ये माइलस्टोन है, दंगल टीवी पे पहला शो होगा हमारा जो 900 एपिसोड पूरे करेगा। हमने मिडवे ज्वाइन किया था बट हमारी जर्नी बड़ी अच्छी रही। शो का नाम शुरू हुआ था नर्थ जेवर और जंजीर से, जो अभी नर्थ कृष्ण और गौरी की कहानी हो गया है। एज लीप हुए हैं शो में, शो ने अच्छा काम किया है, लोगों ने अच्छा काम किया है, आई थिंक तभी 900 एपिसोड पूरे हो पाए हैं। एंड बड़ी खुशी है यार कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमारे शो को, हमारे चैनल को। हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, हम ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि 500-550 एपिसोड से हमने इस शो में अपनी जर्नी शुरू की थी और अब 900 एपिसोड हो गए हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल। बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम 100% श्योर हम आगे भी चल के 1000, 1500 और उससे भी आगे बहुत सारे एपिसोड्स कंप्लीट करेंगे। और इस शो की जो ऑडियंस है बहुत लॉयल है, डे वन से बनी हुई है। इनफैक्ट बीच और हर साल और ज़्यादा नई ऑडियंस जुड़ी है, तो इसी तरह से आप ये शो देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। एंड 900 एपिसोड्स हो हैं तो आई थिंक इसकी मुबारकबाद मैं सभी फैंस और सभी ऑडियंस को भी दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, प्राउड की बात है। दंगल का पहला शो है नथ, जिसने 900 एपिसोड पूरे किए हैं और आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से, हमारे दर्शकों के प्यार की वजह से हमारा ये सफ़र इतना लंबा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे, आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहे। थैंक यू। इन खास इन दोनों के बारे में बोलूँ तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं, मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके और सपोर्टिव एक्टर हैं। एज एन आर्टिस्ट सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसा फील ना हो कि किसी के साथ सीन करने में हमें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस पर्सन एंड बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करने में, लग रहा है आई मीन हाँ, सो यस, अच्छी खुशी की बात है। और हमारे शो में सब लोग छाट के अच्छे अच्छे कलाकार चुन के लाते हैं, सो अच्छी बात। मतलब जीत जेंडर चेंज हो गया। मैंने और अलीशा ने साथ में शो ज्वाइन किया था यार, तो मेरी आई थिंक इंटरेक्शन पहले अलीशा से हुआ था, बड़ा अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। एंड आई थिंक उसके बाद से मैं, मेरा चाहत के साथ सीन हुआ तो अच्छे हैं यार सब लोग, अपना काम करते हैं अच्छे से, अपने किरदार को निभाते हैं जो इस शो को चाहिए। आई थिंक आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, बाकी अपने को आर्टिस्ट के साथ अच्छे रहे, जैसा चाहत ने कहा कि सीन्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये बड़ी अच्छी बात है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब सेट पे आपका को आर्टिस्ट आपको थोड़े से आपके नेचर के विपरीत मिले, एंड नेचर के विपरीत भी मिल जाते हैं फिर वो आपके काम में दखल अंदाजी करे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे शो में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बड़ी खुशी की बात है। और बस वही है यार, आप अपना 100% देते रहो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, इतना ही कहना चाहूँगा बस। आई थिंक सी वही जो एग्जैक्टली अभी अर्जुन ने कहा कि हमने बीच में ये शो ज्वाइन किया था एंड वेन एवर यू गो इन अ शो इन मिडवे, तो एक होता है ना, बिकॉज ऑलरेडी वो शो चल रहा है, ऑडियंस एक है जो जुड़ी हुई है, कलाकार हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो उसके बीच में जाना और यू नो फिर दोबारा से सब शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हियर वी गॉट अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत अच्छे से हमने शुरुआत की, एक नया सीजन फ्रेशनेस के साथ लेकर आए, तो ऐसा लगा नहीं कि बीच में आए, ऐसा लगा शुरुआत से ही है, इसी का हिस्सा है। तो बहुत मज़ा आया एंड एवरीबडी हियर इज़ वेरी गुड, एवरीबडी इज़ यू नो वेरी प्रोफेशनल, एवरीबडी इज़ अ गुड आर्टिस्ट और आई एम श्योर सब हार्ड वर्किंग है, तभी ये शो इतना चल रहा है। तो नाइस यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड होपिंग टू यू नो टेक इट लाइक यू नो 1000, 2000, 3000 भी हो आप सबके प्यार से। सबका सेम मैसेज होगा कि हमारे शो को प्यार दें, देखें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें ताकि हमारा ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, चलता रहे। हाँ यार, यही मैसेज है कि आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आपको देते रहेंगे। जीत आपको प्रेरित करता रहेगा कि जीवन में शादियाँ दो ना करें, तीन ना करें, एक ही करें। एंड बस यार प्यार करते रहिए, हम भी आपको अच्छा अच्छा काम करके दिखाते रहेंगे, वही है।
और अभी एक और नई पीढ़ी आ गई है, बच्चे आ गए हैं जो दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी आ गए हैं। आप सब देखते रहे हमारा शो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें नया खूब सारा ड्रामा, यू नो, फुल ऑफ स्पाइसेस, थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस सब हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग नथ कृष्ण और गौरी की कहानी। थैंक यू।